और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोना थाना से बता दें, जहां पर 4 तारीख को एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त रौनक गुप्ता पुत्र दिलीप कुमार गुप्ता को श्रावस्ती की कोना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा कि 4 तारीख को शाम के समय में इकोना बाजार में रौनक गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि दिलीप गारमेंट्स इकोना में दिलीप गुप्ता का लड़का है, उसने श्रावस्ती जनपद के कोना थाना क्षेत्र अंतर्गत इटवरिया के मजरा कन्नौजिया परिवार निवासी सुशील अवस्थी को चाकू से गोद डाला था, जिसके बाद सुशील अवस्थी की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई थी, जिनको जिला अस्पताल बहराइच रिफ़र किया गया था, जहां पर हालत में सुधार न होने पर उसके बाद में उनको लखनऊ के ट्रामा सेंटर रिफ़र किया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जहाँ पर CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बात विवाद में रौनक गुप्ता ने सुशील अवस्थी के पेट में चाकू भोंक दिया, जिससे उसका पूरा पेट फट गया और वो तड़पने लगा। जैसे ही इसकी सूचना पुलिसकर्मियों को मिली थी, मौके पर पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती घनश्याम चौरसिया भी क्राइम सीन पर पहुंचे थे। फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया था, तत्काल टीमों का गठन किया गया था और रौनक गुप्ता को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही थी। इस संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 323, 504, 506 और 307 ये IPC की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और रौनक गुप्ता की तलाश की जा रही थी। श्रावस्ती की कोना पुलिस ने जानकारी दी है कि आज रौनक गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो ये आपको उस रात की हम फोटोज दिखाते हैं जब ये घटना हुई। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया, अपर पुलिस अधीक्षक और जो थाना अध्यक्ष कोना है राकेश, वो मौके पर पहुंचे थे और यहीं पर वो क्राइम सीन है, यहीं पर रौनक गुप्ता ने सुशील अवस्थी के पेट में चाकू घोंप दिया था, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई थी। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने तत्काल थाना अध्यक्ष कोना को निर्देशित किया था कि शीघ्र अतिशीघ्र जो आरोपी है, जो हमलावर है, उसको पकड़ा जाए और तत्काल जो है, जो सुशील अवस्थी के भाई हैं विवेक अवस्थी, उन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके आधार पर इकोना थाने में 323, 504, 506 और 307 यानी जानलेवा हमला करने यानी मारने की नीयत से जानलेवा हमला करने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। रौनक गुप्ता की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और संभवतः पुलिस को सफलता मिली है। रौनक गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज उसका इकोना के सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उसके बाद में जो है रौनक गुप्ता को श्रावस्ती की कोना पुलिस ने जेल भेज दिया है। वही बात करें अगर कि आखिरकार इस लड़ाई झगड़े के पीछे वजह क्या थी, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, ना ही पुलिस ने अपने विवरण में कुछ बताया है। हालांकि जो सुशील अवस्थी के परिवार के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो रौनक गुप्ता है वो कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाना चाहता था सुशील अवस्थी से, चूँकि वो एक पुरोहित हैं और सुशील अवस्थी के घर वालों के द्वारा ही जानकारी दी गई है कि किसी तंत्र मंत्र में वो फंसा हुआ था, कोई वशीकरण मंत्र करवाना चाहता था, यही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये कोई स्पष्ट नहीं है। और दोस्तों, ईद में अगर आप लोग अपने परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, महिलाओं बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदना चाहते हैं, तो श्रावस्ती जनपद के कोना कस्बे में कोना बलरामपुर मार्ग पर जोहरा फैशन कलेक्शन के नाम से एक शोरूम खुला हुआ है, जहां पर इस वक्त कपड़ों की बम्पर सेल लगी हुई है। दुकान के मालिक ने बताया है कि रमज़ान के महीने में और ईद होने तक आप लोगों को डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इनके शोरूम में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ड्रेस महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। और रमज़ान के महीने में अगर जो लोग बलरामपुर बहराइच नहीं जाना चाहते हैं, वो लोग इकोना बलरामपुर मार्ग पर पानी टंकी के पास जा कर के जोहरा फैशन कलेक्शन की दुकान पर जा सकते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षक ड्रेस जो कि बाहर से मंगवाए गए हैं, शादियों के भी कपड़े, शादी लगन के कपड़े भी मंगवाए गए हैं। दुकान के जो ओनर हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और हमारी माताएं बहनें शॉपिंग करने के लिए रात को निकलती हैं, वो लोग एक बार हमारे दुकान पर पहुँच करके सेवा का मौका दें, आए दुकान में देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस हम लोगों ने बाहर से मंगवाए हैं और रमज़ान के महीने में खास करके डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जहां पर कई प्रकार के कपड़े खास करके महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, कानपुर से कपड़े मंगाए गए हैं, लहंगा वगैरह है और बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस हैं। एक बार आप लोग दुकान पर ज़रूर जाएँ।